अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेलो हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिहा नौरीन। कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक ही होंगे, माशाल्लाह अच्छी बात है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। नाज़रीन मॉर्निंग शो स्टार्ट हो चुका है और आज जो हमने टॉपिक चूज किया है बच्चों की सेहत पर, और बच्चे जिस तरह बीमार हो जाते हैं, बुखार, फ्लू, नज़ला, खांसी, फीवर, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। बट पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि फेसबुक पर हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं HELLO HELLO MORNING, जी बिल्कुल हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है, आप वो लाइक करें, टेक्स्ट करें, आप लोगों के लाइक्स भी बहुत सारे आते रहते हैं अब तो, और आप हमें साथ साथ कॉल भी कर सकते हैं लाइव। मैं आपको नंबर बताती चलती हूँ, स्क्रीन पर भी हमारा नंबर मौजूद होगा 02135890271, जी बिल्कुल यही नंबर है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वो आतिफ मंसूर, हम उनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? सर बच्चों, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो बच्चों से रिलेटिव ही बात करते हैं कि उनको जब फीवर होता है या फ्लू वगैरह तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, आप लोग क्या लेते हैं? सबसे पहले नौरीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, आपने मॉर्निंग शो में मुझे बुलाया और बच्चों के हवाले से बात करने के लिए। बच्चों की सेहत जरा बहुत हमारे लिए बहुत अहम है क्योंकि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं जी। और फीवर की आपने बात की तो, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि फीवर पहले आप जरूर, जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं जी बच्चा गर्म हो गया और ये बुखार है जी जी, तो सबसे पहले काम ये करें कि आप बुखार को आप थर्मामीटर से चेक जरूर करें कि वो बुखार है भी या नहीं, क्योंकि जैसे गर्म मौसम है तो उसमें बच्चे गर्म होते हैं, हर कोई गर्म नजर आ रहा है तो पेरेंट्स देखते हैं कि जी बस ये गर्म हो रहा है तो वो समझते हैं बुखार है और वो दवाइयां शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए कि पहले यू हैव टू चेक इट कि यार ये बुखार भी है या नहीं है, आप थर्मामीटर से बुखार चेक करें। फिर बुखार की वजूहात होती हैं तो उसके लिए आप प्लीज एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि वो सेल्फ मेडिकेशन यूज ना करें कि पेरेंट्स खुद ही दवाइयां शुरू कर देते हैं, क्योंकि सब दवाइयां वो शुरू कर देते हैं। उसमें करना ये होता है कि आपको देखें बच्चों की जो है ना हर उम्र और एज के हिसाब से, वजन के हिसाब से डोज होती है, सही। तो वो हमें देनी होती है उस हिसाब से, सही है। तो आप ये करें एक बच्चों के डॉक्टर को जरूर दिखा दें और कोशिश करें कि बच्चों की बीमारी है वो बच्चों के डॉक्टर को ही दिखाएं। फिर क्योंकि आपका कंप्यूटर खराब होगा तो आप जूसर वाले के पास नहीं जाएंगे सही करवाने। तो एक मिसाल एक ऐसी मजाक आपको बताता हूँ, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ बच्चों के डॉक्टर ही समझ सकते हैं। अगर चाहता आप मुझसे बड़ों की बात करें तो मैं इतना अच्छा आपको ना समझा पाऊँ जितना मैं बच्चों के बारे में बता सकता हूँ। तो बुखार सबसे पहला स्टेप तो यू हैव टू चेक इट कि यार फीवर है या नहीं। सेकंड फिर आप डायग्नोज, जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो डायग्नोज करेगा कि बुखार की वजह क्या है, क्योंकि वजह मालूम करना बहुत जरूरी है जी। अब बुखार की बहुत सारी वजूहात होती हैं, अब देखा जाए तो देखें बुखार डेंगी में आजकल बड़ा कॉमन हुआ है बुखार, सही है, तो डेंगी का बुखार भी होता है। फिर जो कॉमन हम देखते हैं वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें बुखार होता है तो उसमें फिर हम गला वगैरह चेक कर लेते हैं, सही ना, सारी चीजें देखनी होती है हमें। फिर नमूनिया में भी बुखार होता है, सही है। फिर डायरिया में कभी कभार जो वायरल के साथ साथ बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वो भी एक बुखार की अलामत होती है। फिर मलेरिया का भी एक बुखार होता है, सही है, यूटीआई का भी उसकी वजह से भी बुखार हो जाता है। तो फिर अलग अलग ट्रीटमेंट होती है सब दवाइयों की, वायरल है उसमें कोई एंटीबायोटिक का रोल है ही नहीं, सही है, वो खुद ब खुद सही हो जाता है। आप उसमें सिर्फ आप पैरासिटामोल जो दवाई है वो डोज के हिसाब से आप देते हो, वो आप डॉक्टर उनको समझा देते हो कि आप चेक करते रहें 4 से 6 घंटे के वक्त से आप इनको ये दवाई देते रहें। फिर मॉनिटर करते रहें कि बुखार कितना हो रहा है, अगर ज्यादा बुखार आ रहा है तो फिर हम टेस्ट करवा के एक CBC एक खून का एक टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल जाता है, बहुत सारी चीजें हमें उससे पता चल जाती हैं। अगर सबसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको लग रहा है कि बुखार बहुत हाई ग्रेड ज्यादा हो रहा है तो CBC एक जरूर एक टेस्ट होता है, डॉक्टर से पूछ के करवाएं। उससे होता ये है बेनिफिट, एक तो आपको पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स आपके कितने हैं, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो रहे होते हैं, सही ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का आपको पता चल जाएगा, अगर उसमें WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो उससे आपको पता चल जाता है कि इन्फेक्शन, और भी हीमोग्लोबिन भी पता चल जाता है खून की आपकी तादाद कितनी है, तो उससे आप रूल आउट कर लेते हैं यार ये वायरल है या बैक्टीरियल है। फिर अगर मलेरिया आपको सस्पेक्ट हो रहा है तो उसकी आपकी हिस्ट्री होती है, डॉक्टर सबसे पहले हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, सही है, कि आप हिस्ट्री में आप रूल आउट कर लेते हो यार ये कौन सा बुखार है, फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं, उससे हमें कन्फर्म हो जाता है हाँ यार ये है डिजीज, फिर आखिर में हम इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं उसको कंफर्म करने के लिए। लगता है कि ये फीवर ये मलेरिया में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर, तो वो मैं आपको बताऊं उसकी अलामत होती है, जैसे अगर आप मलेरिया बुखार के तो उसमें एक अलामत हमें मिलती है कि उसमें सर्दी लगती है, शिवरिंग जिसे हम कहते हैं वो हो रही होती है और फीवर जा रहा होता है, ऐसे एक टाइफॉइड का फीवर होता है। तो उसका पैटर्न ये होता है कि टाइफॉइड का फीवर रात में स्पाइक आती है, बहुत हाई ग्रेड स्पाइक आती है और वो कम नहीं होता, बुखार रहेगा आपको, ठीक है। तो उससे फिर आप ना रूल आउट करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन से आप रूल आउट कर लेंगे कि चेस्ट खराब है, उसमें कैसी साउंड आ रही है, सही है, थ्रॉट आप देख लेंगे गला एग्जामिनेशन पे ना जी, आप उसे रूल आउट कर लेंगे फिर क्या है, तो डायरिया में आपको पता चल जाता है कि क्या है, तो वो CV से भी आपको इन्वेस्टिगेशन तो बाद में आई है, पहले आपने हिस्ट्री ली है उससे आपको रूल आउट,
फिर आपने एग्जामिनेशन पे आपने निकाल लिया। अब देखिए ट्रीटमेंट अलग अलग है, अगर मलेरिया आप सस्पेक्ट करें फिर आप मलेरिया ICT कराते हैं, ठीक है, जो टेस्ट होता है मलेरिया का, और हिस्ट्री में भी आपको आइडिया हो जाता है, तो फिर उसमें आप एंटी मलेरिया देंगे, ठीक है ना, उसमें आप एंटीबायोटिक नहीं देंगे, उसमें आप एंटी मलेरिया ट्रीटमेंट देंगे। अगर किसी को एंटीबायोटिक की जरूरत है, इन्फेक्शन है, तो उसमें आप एंटी मलेरिया नहीं देंगे, तो ये चेंज हो जाती है आपकी ना मेडिसिन। सेल्फ मेडिकेशन नहीं कहनी जब भी मैं मना करूं, क्योंकि आजकल हो ये रहा है कि बुखार हुआ जी और उठा के थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, तो कभी कभार पेरेंट्स खुद ही शुरू कर देते हैं, फिर वो आते हैं और उसमें होता ही है कि वो गलत डोज पे दे रहे होते हैं। अब गलत डोज में आप एंटीबायोटिक भी दे रहे हो बच्चे को, एक तो एंटीबायोटिक भी उसको मिल रही है और उसका कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान ही हो जाता है कभी कभार। बट ऐसा होता है ना कि सम टाइम अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गई रात में और उसके पापा भी घर पे नहीं है और सिर्फ मामा या फिर औरतें खवातीन भी घर पे मौजूद हैं, तो उनको बिल्कुल फौरी मतलब इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो होती है वो क्या करनी चाहिए? बच्चे को बहुत ज्यादा फीवर भी है। मैंने आपको बताया कि पहले तो आप चेक करेंगे बुखार कितना है, ठीक है, सही ना। अगर हाई ग्रेड फीवर आपको लग रहा है तो फिर आप उसमें तो बुखार की दवाई आपने दे दी है सबसे पहले। अगर फिर भी आपको लग रहा है बुखार है तो आप स्पंजिंग करें, जो टैप वाटर स्पंजिंग होती है जी जी वो आप करें, सही ना, नॉर्मल स्पंजिंग करें, उससे बुखार उतर जाता है, ठीक है, सही ना। फिर आप मॉनिटर करते हैं ना, अगर बहुत हाई ग्रेड फीवर है तो फिर हम कोई और दवाई उसमें ऐड कराते हैं, वो देते हैं, लेकिन बुखार दोनों जो जैसे अगर आप दे रहे हैं बुखार की दवाई तो उसमें कम से कम डिस्टेंस 3 से 4 घंटे का फर्क जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अभी एक दवाई दी बुखार की और फिर 10 मिनट बाद दोबारा दवाई दे दी, सही है, तो ये देखिए हाइपरथर्मिया है ना बुखार, सही है, तो फिर हाइपोथर्मिया भी हमें नहीं करना, वो भी हमारे नुकसान भी होता है, सही है, तो वो फिर आपको प्रॉपर सब चीजें करनी है। तो आप सिर्फ ये है कि आप चेक जरूर करें, फिर उसको डायग्नोज करवाएं कि कौन सा बुखार है, फिर उसकी ट्रीटमेंट कराएं, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सही है ना, तो ये बुखार का आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और बुखार के साथ साथ नजला खांसी और चेस्ट इन्फेक्शन, हाँ देखिए आजकल जैसे भी मौसम चेंज होता है सर्दियों में तो ये चीजें हम ज्यादा देख रहे होते हैं कि ये चीजें हैं, लेकिन वैसे बेसिकली देखें अगर हम बात करें अब मौसम चेंज होता है उसमें अस्थमा हम लोग ज्यादा केसेस देख रहे होते हैं, अस्थमा हो जाता है बच्चों को, उसमें इंक्रीज उनकी हमें साइन, क्योंकि उसमें ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं अस्थमा में, वो हमें देखने होते हैं किस वजह से ट्रिगर इसको हुआ है, सही। तो उसमें आपको ख्याल रखना होता है कि आप जैसे उसमें एलर्जिक होते हैं लोग, सही है, स्मोकिंग से हो जाता है, लेकिन जो पेरेंट्स स्मोक कर होते हैं बच्चों के आगे, सही है, तो वो भी हम उनको मना कर दें पेरेंट्स को। सबसे अच्छा टाइम होता है अगर आप स्मोकर हैं और आपका फर्स्ट बेबी हुआ है तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है आपको कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, सही ना, तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम होता है इस वक्त आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, तो ये चीजें आप ख्याल करते हैं, सही ना। और नमोनिया की आपने अगर बात करी तो नमोनिया इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, सही है, नमोनिया और डायरिया से हमारे मुल्क में बच्चे बहुत इससे मरते हैं, हमारा मुल्क तीसरे नंबर पे है नमोनिया में जिससे बच्चे मरते हैं, साल के 1,00,000 बच्चे, जो मैंने एक स्टडी देखी थी उसमें 92 to 1,00,000 साल में बच्चे हमारे नमोनिया से सिर्फ इंतकाल करते हैं। अफसोस की बात इसमें यह है कि नौरीन इसकी प्रिवेंशन मौजूद है, सही, न्यूमोकोकल एक वैक्सीन है और अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में ये वैक्सीन आपको फ्री में मिलती है, इसकी कोई पैसे नहीं है, वैक्सीनेशन पे अगर मैं आपको बात करके आगे बात करेंगे उसमें, ये वैक्सीन अगर आप प्राइवेट लें तो ये 4,500 to 5,000 rupees की वैक्सीन आती है, ठीक है, और हमारे मुल्क में ये आपको गवर्नमेंट हमारी आपको फ्री दे रही है, सही है ना। तो ये हमारे मुल्क में थोड़ी सी अवेयरनेस होनी चाहिए कि न्यूमोकोकल नमोनिया जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है हमारे मुल्क में, उसकी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, जो इतनी महंगी वैक्सीन भी है और हमारे मुल्क में वो बगैर पैसों के आपको मिल रही है, तो आप वो जरूर लगवा लें बच्चों को। इसमें ये होता है कि 2 months, 4 months, 6 months या ये वैक्सीन लगती है बच्चों को जब बच्चे पैदा होते हैं, तो उससे अगर आप लगवा लेंगे तो आप प्रिवेंट कर लेंगे नमोनिया को, सही है, बहुत आसान काम है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है और इससे बहुत आप जिंदगियां बचा सकते हैं। कुछ इसमें मैं साइन बता देता हूं जो डेंजर साइन आप इसको कह लेंगे, नमोनिया अगर आपको लग रहा है घर में अगर आप मौजूद हैं तो ये 2-3 ऐसे डेंजर साइन जिसको आप कह लें कि आपको उसको फौरन हॉस्पिटल लेके जाना है बच्चे को, खुद आपको घर पे नहीं रखना, करीबी कहीं से कहीं पे आपको टर्शियरी केयर पे लेके जाना है। जैसे इसमें एक होता है कि बच्चा की सांस की रफ्तार बहुत तेज हो रही है, क्योंकि एक नॉर्मल सांस की रफ्तार होती है हर उम्र के हिसाब से, अगर आप देख रहे हैं कि सांस बहुत ज्यादा तेज चल रहा है और ये पसलियां जो हम जिसको कहते हैं ना सबकोस्टल इंटरकोस्टल डिसेशन आ रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि पसलियां चल रही हैं, सही है, तो ये डेंजर साइन है। वोमिटिंग कर रहा है बच्चा, ये डेंजर साइन है। दूध नहीं पी रहा है छोटा बच्चा है और वो फीड नहीं ले रहा है, तो ये डेंजर साइन में आ जाता है, तो आपको फौरन रश करके हॉस्पिटल लेके जाना है। 3-4 कुछ ऐसे डेंजर साइन है जो वैसे मैं एक नॉर्मल आम लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको कहीं भी आपको लगे कि एक बच्चे को झटके आ रहे हो, सही है, वो फीड ना ले रहा हो और ये नमूने के मैंने आपको बताया कि सांस तेज चल रहा है और ये पसलियां चल रही हो, तो ये डेंजर साइन होते हैं,
इसमें आपको फौरन हॉस्पिटल। तो इसके साथ साथ फीवर भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है या वो नॉर्मल टेम्परेचर? लेकिन नमोनिया में तो फीवर हाई ग्रेड जाता है, सही ना? तो फिर उसमें फीवर तो आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर ये चेस्ट इन्फेक्शन है, फिर आपको उसको डिफरेंस करना होता है, ऑस्कल्टेट करके यार ये एस्थमेटिक है या नमोनिया है या कोई और डिजीज है, तो वो डॉक्टर ही करेगा डायग्नोसिस, ठीक है ना, कि क्या है। फिर उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। अगर कुछ सवेर है तो फिर आप ऑक्सीजन लगाते हो, फिर निबलाइज करते हो, फिर एंटीबायोटिक लग रही होती है सारी चीजें, तो फिर आप उसको लेके सारे मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ठीक है। नाज़रीन देख रहे हैं आपके डॉक्टर आतिफ मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि बच्चों के लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, अगर उनकी तबीयत खराब है तो फौरी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। साथ साथ मैं अपने सेकंड गेस्ट का भी इंट्रोडक्शन कराती चलूं, खादिम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे ही बातें करते हैं कि इनका क्या काम होता है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो आप भी आतिफ सर के साथ ही होते हैं वहाँ हॉस्पिटल में? नौरीन, एक चीज मैं आपको ऐड कर दूँ, जैसे एक डॉक्टर हम लोग होते हैं तो हमारा तो एक रोल होता है, लेकिन जो मेजर रोल, मैं एक बात बताऊं, जो स्टाफ काम कर रहे होते हैं, अगर आप NICU ICU कहीं भी काम करें, तो स्टाफ का बहुत मेन रोल है किसी भी ट्रीटमेंट के हवाले से, क्योंकि डॉक्टर तो हम लोग ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं, सही ना? तो जो स्टाफ होता है आके बच्चे RMOs वहाँ पे होते हैं सारे डॉक्टर, लेकिन जो स्टाफ का काम होता है, अगर आपका स्टाफ ट्रेन है तो आप यकीन माने बहुत आपको इससे फायदा होता है, क्योंकि सारा काम फिर इन लोगों का है कि बच्चे को फिटिंग करवाना, सारी ट्रीटमेंट देना, सब कुछ ख्याल करना, तो ये लोग करते हैं। फिर वो खादिम आपको बताएंगे। अच्छा, हमारा एक टीम वर्क होता है डॉक्टर स्टाफ का आपस के बीच में, क्योंकि उसको लेके चलना पड़ता है। बट समटाइम ये होता है कि हम स्टाफ की जो डॉक्टर की डायग्नोस के बाद केयर स्टार्ट होती है, जैसे फर्स्ट टाइम हमारे पास उसके बेबी आता है, तो पहले तो हमने उसको ना इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि अपनी हाइजेनिक, अपने आप को साफ सुथरा रखना, क्योंकि बेबी सेंसिटिव होती है, उनकी इतनी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती, तो पहले तो ये तदाबीर हम इख्तियार करते हैं कि हम सेफ हैंड में हमारे आ जाते हैं और हम उनको साफ सुथरे हाथों से हैंडल करें, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़े से सिकुए होते हैं या उनको कोई फीवर, इन्फेक्शन, कफ, कोई भी काज की वजह से आए होते हैं, तो फिर वो डिपेंड करता है ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन, ठीक है ना? फिर हम यही पहले बात करते हैं कि किसी बच्चे को अगर इस लेवल की मेडिकेशन चल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को ओरली मेडिकेशन चल रही है, तो उसकी मेजरमेंट कि आप उसको मेडिकेशन टाइम टू टाइम और उसके डोज का प्रॉपर जाना, क्योंकि बच्चों को हम ज्यादा डोज नहीं देंगे, मेडिकेशन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, तो हम ज्यादा डोज देंगे तो बच्चों को साइड इफेक्ट करेगी, उनकी इम्यूनिटी पे और इफेक्ट डालेगी। तो पहले ये होता है कि हम उसकी डोज को कैलकुलेट प्रॉपर टाइमिंग से दिला दें, और उसको इसलिए बच्चे तो इतने सेंसिटिव होते, मेडिकेशन तो आपको पता है उसको अनलाइक करते हैं बेबीज, ठीक है ना? इज डिफिकल्टी फॉर द गिविंग द मेडिकेशन, तो हम उसको एक इतनी टेक्निक से मेडिकेशन देना एंड टाइम टू टाइम। फिर उस सेकंड बात आ जाती है, अगर किसी बच्चे को ओरली मेडिकेशन नहीं है और उसकी कंडीशन इस परसेंटेज तक सिके, तो उसको IV मेडिकेशन, मतलब थ्रू टू द इंजेक्शंस दी जाती है, तो उसमें हम ये करते हैं कि उनको एक IV कैनुलेशन पास करनी पड़ती है, और ये कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर, मतलब जिसमें बच्चे को पेन होता है और इरिटेबल होता है, उसमें पेरेंट्स भी ज्यादातर उसको देखे, क्योंकि वो बहुत उनका लाइकली होता है, तो वो परेशान हो रहे होते हैं, तो उसमें फिर हमारा यही काम होता है कि उसको मेडिकेशन देना, इंजेक्शन कैनुला लगाना और उसकी कैलोरीज को मेंटेन करना, इस वजह से ये सारा काम। सम टाइम ऐसा भी होता होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा तंग करते होंगे, तो उनको किस तरह से मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं आप लोग? अच्छा, बहुत ज्यादा फीवर है या दर्द है बच्चों के बॉडी में, तो अच्छा उसके तो मेडिकेशन होती है, क्योंकि मेडिकेशन देने का भी एक टाइम देते हैं, टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम तक वो पेन या फीवर रिलीज होता है, वो दिन सेकंड तो नहीं होता, तो उसमें बच्चे इरिटेट हो रहे हैं, माँ बाप उनको टहलाना हो गया ये हो, और हॉस्पिटल में हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज होते हैं जैसे टॉयज हो गए या म्यूजिक का, तो बच्चे को बहलाने के लिए बहल जाता है, बट बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल काम होता है, जैसे बता रहे हैं कैनुला लगाना होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बड़े एक प्रोसीजर होता है, हमारी तो इतना नहीं है, लेकिन जब वो किसी का बच्चा हो, पहला बच्चा हो, तो लोग घबरा रहे होते हैं कि कैनुला लगेगा, खून निकलेगा, ब्लड सैंपल ड्रॉ करने होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स वो देखे ही बेहोश हो जाते हैं, तो उनको आपको समझाना पड़ता है, फिर बच्चों को जैसे उसने बताया कि मेडिसिन देनी होती है, वो सबसे मुश्किल काम होता है मेडिसिन देना, तो ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह से इतने ट्रेन होते हैं कि ये लोग बहुत इजिली आराम से वो सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं, तो वो एक सही बात है कि एक टीम वर्क है पूरा ना, टीम आपकी कंप्लीट नहीं होती अगर आप स्टाफ और डॉक्टर्स मिलकर ना चले। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये भी बताते चले साथ साथ कि समटाइम आजकल मतलब बहुत ज्यादा ये कॉमन है कि कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है
तो वो जैसे ही जैसे उसकी जैसी बर्थ हुई है तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, या उसे मतलब कहा जाता है कि आपको 24 घंटे या 48 घंटे माँ से दूर रहना है, माँ से दूर रखना पड़ता है, और फिर उसकी अलग से ट्रीटमेंट चल रही होती है। तो ऐसे बच्चों को किस तरह से आप लोग मतलब दूध पिलाना, दूध अगर वो पीते हैं, या फिर किस तरह से उनकी गजा को पूरी की जा सकती है? बड़ा अच्छा आपने सवाल कर लिया, अच्छी बात है, तो हम इसको गाइडेंस भी दे दें। जी देखिए, सबसे पहले तो जो मैं कहता हूँ प्रोग्राम की, अगर जब बच्चा जब मदर कोई प्रेग्नेंट होती है, ठीक है ना, वहां से सारा काम शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको काम ये करना चाहिए कि जब जो भी ऐसे प्रेग्नेंट हो गई है फीमेल, वो एक अच्छे अस्पताल में जाकर एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से अपने आप को रजिस्टर करवा लें। उससे होगा क्या, फिर एंटीनेटल चेकअप्स होंगे सारे, तो वो डॉक्टर एक उसकी जिम्मेदारी होगी और वो उसको पता होगा कि वो कर क्या रहा है। तो पूरे एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड होते हैं, फिर कुछ वैक्सीनेशन भी दी जाती है, और डॉक्टर फॉलो कर रहा होता है कि वो कैसे पूरे 9 मंथ्स गुजार रहे हैं, सही है। तो क्योंकि अगर वो 9 फॉलो अच्छी तरह करवा लेंगे तो बहुत कम चांसेस है कि बच्चे को हॉस्पिटल की जरूरत पड़े। जैसे हम लोग देख रहे होते हैं अच्छी जगहों पे जहां हम काम कर रहे होते हैं, अगर फॉलो अच्छा हुआ होता है तो बहुत लेस लीस चांस होते हैं कि बच्चे को जरूरत पड़ जाए। अगर वो फॉर एग्जाम्पल प्री टर्म है तो चले एक अलग बात होती है। अब एक तो ये काम करना है, और एक जहां वो डिलीवरी करवा रहे हैं वहां पे ये जरूर देखें कि वहां पे जब बच्चा रिसीविंग करेगा वो पीडियाट्रिक डॉक्टर भी मौजूद है या नहीं है वहां पे, और थर्डली वहां वो सिस्टम भी है, फैसिलिटीज अवेलेबल है कि अगर बच्चे को खुदा ना खासा जरूरत पड़ी ऑक्सीजन की तो वहां ऑक्सीजन भी मौजूद है या नहीं है। तो ये जरूर चीजें आप देखें, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि जहां पे वो डिलीवर करवा रहे हैं तो ये सवाल पूछें कि जहां पे वो डिलीवर होगा वहां पीडियाट्रिक डॉक्टर मौजूद होगा। और शुरू के देखें 10 मिनट बहुत जरूरी होते हैं जिसमें हम एबगार स्कोरिंग करते हैं, जो हमारी जबान में बात होती है, उधर ही जब बच्चा हम रिसीव करते हैं वो 10 मिनट जिंदगी के ऐसे हैं, अगर आपने उसमें डिले किया तो बच्चा ज़हनी तौर पे माजूर भी हो सकता है, सही है, और उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। उसमें आपको असेस करना होता है कि यार ये बच्चा या तो फिर मदर के हवाले आपको करना है या फिर इसको एडमिट करना है। फिर एडमिट करने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, उसमें देखना होता है आपको कि रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ तो नहीं है, डिस्ट्रेस में तो नहीं है बच्चा, उसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सारी चीजें आपको ना उसमें देखना होता है कि वो हिस्ट्री से भी आपको रूल आउट हो जाता है और फिर एग्जामिनेशन पे आप देख लेते हैं। अगर प्री टर्म बेबी है तो वो बहुत ज्यादा उसकी आपको ख्याल रखना है, उसमें कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होती है, बच्चा अगर वो उसमें आप केयर कर रहे होते हैं उसमें आपको देखना है हाइपोथर्मिया तो नहीं हो रहा, क्योंकि शुरू में अगर प्री टर्म बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसका उनका प्रॉपर लंग नहीं बने हुए होते और जो उसमें से एक चीज पास होती है जो सरफेक्टेंट जैसे हम कहते हैं तो वो उसकी इतना अच्छा वहां पे नहीं अवेलेबल होता, लंग प्रॉपर नहीं बने हुए होते, तो उसकी प्रॉब्लम से बच्चे हमारे पास एडमिट होते हैं, फिर आपको सरफेक्टेंट देना होता है, सही है। फिर आप देख रहे होते हैं बच्चों में हाइपोथर्मिया तो नहीं है, हाइपरथर्मिया ठंडे हो जाते हैं बच्चे, शुगर की कम हो जाती है, फिर जब थोड़े दो दिन बाद लेवल क्यों अचानक से बच्चों का देखें, ये प्री टर्म अगर बच्चा है तो आपको उसमें सारी उसमें चीजें हैं कि आपको देखनी पड़ती हैं, सांस की प्रॉब्लम है तो उसमें कभी कभार बहुत सारे बच्चे इनक्यूबेटर से आगे वेंटिलेटर पे भी जाना पड़ता है, सही ना। तो वो शुरू के 10 मिनट बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी के बच्चे के लिए कि क्या करना है। अगर आपने प्रॉपर उसकी ऑक्सीजन नहीं दी, सक्शन नहीं करी, प्रॉपर आपने असेसमेंट नहीं की और उसको दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, या बच्चा होता है ना हम रुलाते हैं उसको शुरू में, तो वो रोना बहुत जरूरी है। अगर उसमें देर में रोया बच्चा तो ज़हनी तौर पे माजूर भी, उसे हम बर्थ एक्सपेक्सिया कहते हैं, वो भी बच्चों को हो जाता है। फिर आपको केयर करनी होती है, एक तो दो बच्चे, एक तो या तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और जो घर चला गया, अब जो घर मदर को देना है तो आपको उसे समझाना है कि आपको क्या क्या 4-5 चीजें जरूरी करनी है। सबसे पहले जो खादिम ने बताया कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी नहीं इतनी डेवलप्ड, तो आपको ये नहीं कि जो खांस रहा है किसी को फ्लू आया हो जाके बच्चे के पास खांस रहा है, ठीक है ना। कोशिश करें, बहुत मुश्किल है हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं कि खानदान वालों को हम मना करें कि बच्चों को हाथ ना लगाएं, प्यार ना करें, तो देखिए अगर हो सके तो सैनिटाइजर एक रख दें कि जो भी बच्चे को कोशिश आप जरूर करें, बड़ा मुश्किल काम है लेकिन कोशिश आप जरूर करें। फिर आप देखें बच्चे को ज्यादा ठंडा ना हो, सही है, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए बच्चा, इसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, और ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। जो लोग लिपेट देते हैं चादरों में, अब बच्चे को देखें तो वो उसमें से तह निकल रही होती है पहली दूसरी तीसरी, तो वो हाइपोथर्मिया भी आपको नहीं करना है, सही ना। फिर सबसे जो बहुत मेन चीज है मदर फीड, आपको 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली सिर्फ मदर फीड देना है, आपको कुछ भी नहीं देना 6 मंथ के बच्चे को, कोई चीज नहीं देनी है आपको, सिर्फ मदर फीड आपको उसको देनी है। अल्लाह ताला ने उसमें इतनी सारी फायदे रखे हैं कि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आप उसको मदर फीड दें जो उसके आगे जाके भी बहुत काम आ रहे हैं, सही ना, मदर फीड। और सेकेंडली फिर आपको जो करवाना है वो वैक्सीनेशन, एट बर्थ पे BCG वैक्सीनेशन हम लोग लगाते हैं, कई जगह पे हेपेटाइटिस की भी लगती है और पोलियो के ड्रॉप्स भी हम
देते हैं। अच्छा, तो ये चार पांच चीजें आप उनको बहुत समझाते हैं कि आपको ये फॉलो करना है। तो ये पोलियो के जो ड्रॉप्स होते हैं ये मतलब कितने डेज में देते हैं आप? ये आप उसी वक्त जब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं हम लोग उसमें दे देते हैं ये वैक्सीनेशन। फिर हम उनको समझा देते हैं कि जब आपका होगा जो सिक्स, मैं आपको बता रहा हूँ, वीक्स पे या टू मंथ्स पे, फिर हम उनको समझाते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है। सही है। और उनको हम ये भी बता देते हैं कि हर थ्री डेज पे जॉन्डिस बच्चे को होता है, हर किसी को होता है, तो उसको हम उनको समझा रहे होते हैं। हम तो टेस्ट करवा लेते हैं, कुछ टेस्ट जो होते हैं जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं हम लोग करवा लेते हैं, कुछ जगह है उनमें नहीं होते। सही है। तो आप ये ख्याल करें अगर आपको आपका बच्चा पीला लग रहा है, सही है, मदर को अंदाजा हो जाता है बच्चा, तो एक टेस्ट आता है सीरम ब्लोरबिन, वो कि तो इतना महंगा टेस्ट नहीं है, जस्ट और सेफ सेट आप वो टेस्ट करवा लें, क्योंकि हमारे यहाँ करवा सकते हैं। अगर आप पहले तो कोशिश करें डॉक्टर को ही दिखाएं जो आपका फॉलोअप डॉक्टर है, और फिर एक टेस्ट जरूर करवा लें। देखिए उससे फायदा क्या होगा, आपको पता चल जाएगा ब्लोरबिन कितना है। सही। तो नॉर्मली हम धूप का कहते हैं कि आप धूप दिखा दें उससे सही हो जाता है, लेकिन कहीं पे फिर हमें फोटोथेरेपी की जरूरत पड़ती है और कहीं कहीं हमें एक्सचेंज की जरूरत पड़ जाती है। हमारे लोग करते ये है कि वो घरेलू टोटकों में लग जाते हैं कि जी वो पता नहीं किन के पास जाके दम कराने शुरू कर देते हैं, और पता नहीं कौन कौन से देखें। मैं किसी चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, आनंद जारी बात है, दुआ के साथ, दवा के साथ दुआ बहुत जरूरी है, सब चीजें बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं पे आपको अगर लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा जॉइंट पीला हो जा रहा है बच्चा, तो आप एक टेस्ट करवा लेंगे उससे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हमने बच्चे देखे हैं जिनके बहुत बड़े हुए ब्लोरबिन हमें मिले, 34-40 के करीब हमें ब्लोरबिन मिले, और इसी वजह से मिले। इसका साइड इफेक्ट क्या है, कनेक्टाइलिस डेवलप होता है और दिमागी तौर पे बच्चा माजूर हो जाता है। सही। और एक्सपायर भी हो सकता है। ठीक है ठीक है, हम ये जॉन्डिस और वैक्सीनेशन के बारे में ही बातें करते हैं, डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करते हैं। अभी ब्रेक का टाइम हो चुका है नाज़रीन, छोटे से ब्रेक पे जाते हैं हम।